नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 21 जनवरी। चलिए फटाफट जानते हैं सिवान, छपरा, गोपालगंज सहित बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान सदर अस्पताल में SNCU में भर्ती एक बच्चे को स्वास्थ्यकर्मी ने गलतफहमी से दूसरे बच्चे के परिजनों को दे दिया। फिर क्या, बुधवार की सुबह बच्चे चोरी होने का आरोप लगाते हुए उसके परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल में परिजन और स्वास्थ्यकर्मी के बीच हो हल्ला सुन लोगों की भीड़ जुट गई। SNCU वार्ड से नवजात की चोरी होने की सूचना पाकर वरीय पदाधिकारियों की भी हाथ पांव फूलने लगे। सूचना पाकर मौके पर नगर थाना अध्यक्ष व वरीय स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे और छानबीन में जुट गए। अगली खबर, छपरा से बीएड पार्ट 1 में प्रमोटेड अनुत्तीर्ण व अनुपस्थित छात्र छात्राओं का बीएड पार्ट 2 सत्र 2019-21 का 20 से परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह ने परीक्षा फॉर्म भरने का गाइडलाइन जारी किया है। इसके अंतर्गत वैसे छात्र छात्राएं जो बीएड पार्ट 1 सत्र 2019-21 की परीक्षा में अनुपस्थित, अनुत्तीर्ण या प्रमोटेड होने के बाद सत्र 2020-22 पार्ट 1 की परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन्हीं छात्रों को सशर्त पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति है। इन छात्रों का फॉर्म तो भरा लिया जाएगा, लेकिन पार्ट 1 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होगा। ऐसे सभी छात्र छात्राएं 20 व 21 जनवरी को ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरेंगे, जिसके बाद फॉर्म की डाउनलोड कॉपी के साथ संबंधित कागजातों को संलग्न करा अपने महाविद्यालय से सत्यापित करा शुल्क के साथ जमा करना होगा। द्वितीय वर्ष परीक्षा में फॉर्म भरने का शुल्क 2445 रुपये निर्धारित है। विधि ये हो कि बीएड पार्ट 1 सत्र 2020-22 की परीक्षा इसी माह 11 जनवरी को समाप्त हुई है। अगली खबर, गोपालगंज जिले बरौली थाने के नवादा बाजार स्थित 5 दुकानों का ताला काटकर नगद सहित हजारों रुपए मूल्य के सामान की चोरी कर ली। चोरी बाजार स्थित समाधान सेवा केंद्र, जम्मू हवाई खैनी स्टोर, साक्षी जनरल स्टोर, मिराज किराना स्टोर व मरारपुर काली स्थान के समीप स्थित किराना स्टोर में की गई। कड़ाके के ठंड के चलते सभी दुकानदार मंगलवार की शाम जल्द ही अपनी अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। बुधवार की सुबह में जब वे लोग अपनी दुकान पर पहुंचे तो ताले टूटे हुए थे और नगद समेत हजारों के सामान की चोरी कर ली गई थी। दुकानदारों ने इसकी जानकारी बरौली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर, कटिहार में सोमवार को सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में एक प्रसूता ने अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। नवजात लड़के के शरीर में 4 हाथ और 4 पैर हैं, जिसे देखकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। बताया जाता है कि हमलागंज की एक प्रसूता प्रसव कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंची थी। काफी मशक्कत के बाद सिजेरियन ऑपरेशन का कर प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद नवजात को देखकर सभी लोग हड़प्रभ रह गए। डॉक्टर की माने तो गर्भ के अंदर पल रहे जुड़वा बच्चे का समुचित रूप से विकास नहीं होने के कारण इस तरह नवजात का जन्म हुआ है। इस बच्चे का पूर्ण विकास हुआ, जबकि दूसरे बच्चे का पूर्ण विकास नहीं होने के वजह से उसके हाथ और पैर पहले बच्चे के शरीर में ही विकसित हो गए। प्रसव के काफी देर बाद तक बच्चा स्वस्थ रहा। अद्भुत बच्चे के जन्म होने की सूचना पर अस्पताल परिषद के अलावा प्रसव वार्ड में मौजूद लोग बच्चे को देखने के लिए पहुंचे और तरह तरह की चर्चा करने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि यह बच्चा भगवान का अवतार है, अस्पताल में सब उसकी एक झलक पाने को आतुर दिखे। अगली खबर, बर्फीली हवाओं का प्रभाव राज्य भर में तीसरे दिन भी बना रहा। ठिठुरन से राज्य भर में जनजीवन प्रभावित हुआ। पटना समेत राज्य के 10 जिलों में पारा सामान्य में काफी नीचे होने की वजह से बुधवार को लगातार तीसरे दिन शीत दिवस की स्थिति रही। कई जिलों में धूप नहीं निकला। कोहरे की सघनता बढ़ने से सुबह में दृश्यता काफी कम रही। इससे विमान सेवाएं प्रभावित हुई, ट्रेनों की लतीफी भी जारी रही। अधिकतम तापमान में आ रही गिरावट की वजह से मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से अगले 24 घंटे में 10 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के इस तेवर से सुबह में अगले 3-4 दिन राहत के आसार नहीं है। रात का तापमान भले ऊपर चढ़ेगा, लेकिन बारिश और ओला गिरने की वजह से दिन के तापमान की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर कहा है कि 22 और 23 जनवरी को पटना सहित राज्य के कई जिलों में बारिश और ओला गिरने के आसार है। 24 जनवरी के बाद ही मौसम में आंशिक सुधार होने की उम्मीद है। 21 जनवरी को कुछ जगहों पर ठंड रहेगा। अगली खबर, बिहार में कोरोना की तीसरी लहर डराने लगी है। बुधवार को 24 घंटे में 11 पीड़ितों की मौत हो गई, जबकि 4063 नए मरीज मिले। हालांकि नए मामलों के मुकाबले लगभग दोगुना 7454 मरीज स्वस्थ हुए। बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,54,010 लोगों की जाँच की गई, जिसमें कोरोना संक्रमण के
4063 नए मामले सामने आए, लेकिन 11 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इससे राज्य अब तक कोरोना संक्रमण के मरने वालों की संख्या बढ़कर 12,156 हो गई है। बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,54,010 लोगों की जांच की गई, जिसमें कोरोना संक्रमण के 4063 नए मामले सामने आए, लेकिन 11 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इससे राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के मरने वालों की संख्या बढ़कर 12,156 हो गई है। अगली खबर, बिहार के मधुबनी जिले में पुलिस ने नकली नोट के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने हूबहू असली नोटों की तरह नकली नोट छापे। नोटों को देखकर पुलिस के साथ बाकी जांच एजेंसियां भी हैरान है। यह मामला मधुबनी जिले के झंझारपुर इलाके के भैरव स्थान थाना इलाके से जुड़ा है। पुलिस नकली नोटों के मास्टरमाइंड से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश को सूचना मिली थी कि झंझारपुर अनुमंडल इलाके में बड़ी संख्या में नकली नोट के खपाने का काम चल रहा है। एसपी ने इस सूचना पर कार्रवाई करने के विशेष टीम का गठन किया, भैरव स्थान थाना इलाके में दबिश देने पहुंची। पुलिस ने बुधवार को यहां से एक आरोपी को 13 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यहां से कलर प्रिंटर भी बरामद किया है। इसके अलावा कलर की बोतलें भी बरामद मिली है, जिन्हें नोट छापने में इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ने हत्थे चढ़े शख्स का नेपाल से कनेक्शन बताया जा रहा है। अगली खबर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले परीक्षार्थी अपना रिजल्ट secondary.biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। यू चेक करें रिजल्ट secondary.biharboardonline.com पर जाए, रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के क्लिक पर एजुकेशन के लिंक पर क्लिक करें, रिजल्ट ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एग्जाम 2020 के लिंक पर क्लिक करें, नए विंडो खुलने पर अपना रोल कोड और रोल नंबर डालकर परिणाम चेक करें। बहरहाल देखते रहिए एवन न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि हम आपको खबरों से अपडेटेड रख सके। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को, मोबाइल नंबर 7462862592।